कश्मीर, जिसे कुदरत ने अपने सबसे नायाब चीजों से नवाजा है। यहाँ की वाइब्स, फ्रेश एयर और माउंटेन्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे ही नहीं, इसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है। और कभी ना कभी आपने भी लाइफ में एटलीस्ट एक बार कश्मीर की वादियों में घूमने का और इसको महसूस करने का जरूर सोचा होगा। बट इतना ज़्यादा पॉपुलर होने से कश्मीर अब एक कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहाँ पे आए दिन स्कैम्स के केसेस भी सुनने में आते रहते हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ जाने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए। अगर आप भी कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। आज के स्पेशल वीडियो में हम आपको कश्मीर में चल रहे स्कैम्स और उनसे कैसे बचा जाए, ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप हमारी कश्मीर सीरीज को फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा हमने कितने अच्छे तरीके से आपको पूरे कश्मीर टूर की जानकारी दी हुई है। और हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से इन वीडियोस पे काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया है। इन सभी वीडियोस पे आपके बहुत से क्वेश्चंस और क्वेरीज भी आई थी, जिनमें से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे कि कश्मीर पहुंचने के लिए हमारे पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ घूमने के लिए हम पैकेज करें या खुद से सब मैनेज करें, टूर पैकेजेस के लिए एक जेन्युइन एजेंसी को कैसे सर्च किया जाए, कश्मीर में हमें स्नोफॉल कब मिलेगी, यहाँ पे चल रहे स्कैम्स और इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर कर रहे हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे की गई एक गलती आपके पूरे ट्रिप को बड़े आराम से स्पॉइल भी कर सकती है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम कश्मीर ट्रिप के रिगार्डिंग पूछे हुए क्वेश्चंस का जवाब देंगे एंड इन सेकेंड पार्ट वील बी कवरिंग एवरीथिंग अबाउट स्कैम्स इन कश्मीर विच यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस, स्पेशली इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम विद योर फैमिलीज। इनमें से सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हाउ टू रीच श्रीनगर फ्रॉम जम्मू, कटरा और उधमपुर। अगर आपको पूरा कश्मीर टूर प्लान करना है, जिसमें मेनली आते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा श्रीनगर। आपको बता दें, श्रीनगर एक सेंटर पॉइंट है जो कि इन सभी जगहों से वेल कनेक्टेड है। अगर आप बाय फ्लाइट श्रीनगर आना चाहते हैं तो दिल्ली या देश के सभी सिटीज से श्रीनगर के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, जिसका स्टार्टिंग फेयर होगा 4,000 रुपये। ये तो हो गया यूजुअल ऑप्शन। वहीं दूसरा ऑप्शन आता है बाय ट्रेन्स का। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हिली एरिया होने की वजह से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन अभी अवेलेबल नहीं है, बट आवर इंजीनियर्स आर डूइंग देयर वेरी बेस्ट टू कनेक्ट श्रीनगर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड द गुड न्यूज इज, ये पूरा रेलवे प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द कम्प्लीट होने वाला है। आपको बता दें, ये पूरा प्रोजेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन से बनिहाल रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा और आगे बनिहाल रेलवे स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिलहाल के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा जम्मू या उधमपुर, जो हमारे देश के सभी स्टेट से वेल कनेक्टेड है। बट हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी, आप जम्मू या कटरा की जगह डायरेक्ट उधमपुर तक की टिकट करें, क्योंकि वहाँ से श्रीनगर और ज़्यादा पास है। दिल्ली से उधमपुर तक आपको काफ़ी ट्रेन मिल जाएंगी, जिसमें स्लीपर क्लास का किराया रहेगा अराउंड 385 रुपीज़ और इसका थर्ड एसी का किराया रहेगा अराउंड 1,000 रुपीज़। हमारे बहुत से व्यूअर्स वैष्णो देवी यात्रा करके भी कश्मीर ट्रिप प्लान करते हैं, कटरा से भी आप लोगों को श्रीनगर के लिए प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी, जो आपसे 2 से 2.5 रुपये चार्ज करेंगी। अगर आपको इससे भी सस्ते में वहाँ पहुँचना है तो आप पहले उधमपुर आ सकते हैं। अब उधमपुर से बनिहाल सिर्फ 90 किलोमीटर्स दूर रह जाता है। यहाँ से बनिहाल आपको बाय रोड ही कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सीज मिल जाएंगी, जो आपसे चार्ज करेंगी 500 से 600 रुपये। अगर आपका बजट और ज़्यादा टाइट है तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 20 रुपीज़ दे के शेयरिंग ऑटो से एम एच चौक पहुँच सकते हैं। अब एम एच चौक से आपको बनिहाल के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि बस, टैक्सीज, टेम्पो ट्रैवलर। यहाँ से बस का किराया रहेगा 150 से 200 रुपये, बट वो कई जगह रुक के जाती है, इसलिए हम आपको ये अवॉइड करने के लिए कहेंगे। यहाँ जाने के लिए टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर ही बेस्ट रहेंगे। इसका किराया आपको बताया जाएगा 500 रुपीज़, बट बार्गेन करने के बाद ये 350 रुपीज़ तक मान जाते हैं। अराउंड 4 आवर्स की ड्राइव के बाद आप पहुंच जाएंगे बनिहाल रेलवे स्टेशन। यहाँ से श्रीनगर की टिकट सिर्फ 45 रुपीज़ की है, जो आपको 1.5 घंटे में श्रीनगर पहुंचा देती है। यह है इन ट्रेन्स की टाइमिंग्स। आपका अगला क्वेश्चन आता है ऑनलाइन रूम बुकिंग्स का। देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं से भी ऑनलाइन रूम बुक कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पोर्टल को आप अच्छे से वेरीफाई करें, वो जेन्युइन होनी चाहिए। और किसी भी होटल को आप बुक कर रहे हैं श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग में, तो उसको डबल वेरीफाई ज़रूर कर लें बिफोर कमिंग टू कश्मीर, क्योंकि सीजन के टाइम पे खासकर ये दिक्कत देखने में आती है कि एंड टाइम पे वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। अगर आपने अपनी रूम बुकिंग किसी रिलायबल सोर्स से नहीं की है तो जनरली सीजन टाइम में वो ऑन द स्पॉट हाई पेमेंट मिलने की वजह से आपकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं
और जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे टूरिस्ट आए होते हैं वहाँ से उनकी बुकिंग ले लेते हैं। इसके लिए आपको वो कुछ भी एक स्टूपिड सा रीजन देंगे, एंड टाइम पे आपका कॉल ही पिक करना बंद कर देते हैं। ये ज्यादातर होता है जीरो एडवांस बुकिंग के केस में, और जहाँ पे वो आपको हैवी डिस्काउंट देके काफी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप भी सीजन टाइम में कश्मीर जा रहे हैं तो आप इन चीजों का खास ध्यान रखें, या फॉर अ सेफर साइड आप यहाँ के लिए एक टूर पैकेज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड अ जेन्युइन टूर एजेंसी फॉर अ टूर पैकेज। कश्मीर में आप जहाँ पे भी जाएंगे, चाहे वो ड्राइवर हो, हाउस बोट वाला हो, होटल वाला हो या रेस्टोरेंट वाला हो, वो अपने आप में ही अपनी एक टूर एजेंसी बना के बैठे होते हैं। इनमें कुछ अदर स्टेट एजेंसीज भी आती हैं जो दूसरी स्टेट में बैठ के श्रीनगर की एजेंसी से टाई अप करते हैं और वहाँ से फिर पैकेज आपको प्रमोट करते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी होता है और ये 3-4 कश्मीर की वीडियो देख के समझते हैं कि ये भी एक कश्मीर के टूर ऑपरेटर बन गए हैं और इन्होंने सब कुछ पता लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी अदर स्टेट एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल आपको डायरेक्ट पैकेज नहीं प्रोवाइड करती है, वो कश्मीर की ही एजेंसी से टाई अप करती हैं, जहाँ पे उनका मार्जिन एडिट रहता है और वो मार्जिन आप ही के ही ट्रिप कॉस्ट में ऐड होता है। इसीलिए हम ऐसे ऑनलाइन एजेंसीज और अदर स्टेट एजेंसीज को रिकमेंड नहीं करते हैं। रीसेंट पास्ट में हमें ऐसी एजेंसीज के काफी नेगेटिव रिव्यूज सुनने को मिले हैं, जिसमें अगर टूरिस्ट को कश्मीर पहुंचने के बाद कुछ इशू आया है तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को ब्लेम किया है, इवेंचुअली जिसमें टूरिस्ट का ही नुकसान होता है। आपकी एजेंसी प्रॉपर कश्मीर की होनी चाहिए, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पैकेज मिले, सारी सर्विसेज डायरेक्ट रहें विदाउट एनी मिडलमैन, और उससे आपकी कॉस्टिंग तो कम रहेगी भी, सर्विस भी आपको डायरेक्ट ओनर से मिलेगी। बट डायरेक्ट पैकेज से हमारा मतलब ये नहीं था कि आपने श्रीनगर की किसी भी एजेंसी से अपना पैकेज बुक कर लिया। आपको कोई भी पैकेज बुक करने से पहले एजेंसी को सही से वेरीफाई करना चाहिए, उसके गूगल रिव्यूज, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको एक एजेंसी को सेलेक्ट करना चाहिए। जो एक न्यू और इनएक्सपीरियंस एजेंसी होगी उनके टूर पैकेजेस हमेशा से ही एक एवरेज रेट के 5-6,000 डिस्काउंट पे आपको ऑफर होंगे। ऐसी एजेंसीज को बस अपने प्रॉफिट शेयर से मतलब होता है और सर्विसेज भी इतनी खास नहीं रहती। अगर आप सीजन टाइम पे कश्मीर आ रहे हैं तो आपकी एजेंसी काफ़ी रेप्यूटेड होनी चाहिए, जिसका सब जगह काफी अच्छा होल्ड होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट रहे, होटल रहे, हाउस बोट रहे या अदर सर्विसेज रहे। श्रीनगर की सभी एजेंसीज का जो टूर प्लान रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और जो मेन डिफरेंस है वो आता है सर्विस क्वालिटी का। अगर आपकी टूर एजेंसी जेन्युइन है तो आपका कश्मीर ट्रिप काफी मेमोरेबल और कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कश्मीर में आपको स्नो कब देखने को मिलती है। मिड ऑफ नवंबर से कश्मीर के अपर रीजन जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग में आपको स्नो दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और ये स्नो अप्रैल मंथ के एंड तक आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें पीक स्नोफॉल की तो वो स्टार्ट होती है क्रिसमस से लेके जनवरी 26 तक। इस टाइम पे आपको काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती है। अगर आप स्पेशली स्नो एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं और आपके साथ एजेड या बच्चे नहीं हैं तो ऑफकोर्स आप इस पर्टिकुलर टाइम में कश्मीर जा सकते हैं, और अगर आपके साथ एजेड लोग या बच्चे हैं तो आपको मिड ऑफ फेब से लेके अप्रैल एंड तक कभी भी स्नो एंजॉय करने के लिए आप कश्मीर का ट्रिप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें अपना कश्मीर टूर पैकेज कितने दिन पहले बुक करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कश्मीर टूर पैकेज आप जितना टाइम पहले बुक कर लेंगे उतना ही आपका बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे कोई भी टूर पैकेज बुक करने जाते हैं उस टाइम पे मोस्ट ऑफ दी होटल्स सोल्ड आउट हो जाते हैं और एजेंसी मुंह मांगे प्राइस आपसे मांगती है। इसलिए बेटर है आप एडवांस में ही अपना टूर पैकेज बुक करके चलें। आप 2-3 महीने पहले अपना पैकेज बुक करते हैं तो आपको अपने बजट के हिसाब से काफ़ी होटल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जितना लेट अपनी बुकिंग करेंगे उतनी ही दिक्कत आपको ट्रेन टिकट्स अवेलेबिलिटी में भी होगी। जम्मू रेलवे रूट हमारी कंट्री के बिजिएस्ट रूट्स में से एक है बिकॉज ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, और फ्लाइट्स के प्राइजेस तो आपको पता ही होंगे, जितना लेट आप बुक करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लाइट महंगी रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूलिप गार्डन के ओपनिंग टाइम्स के ऊपर। ट्यूलिप गार्डन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स इन कश्मीर, बट ये गार्डन पूरे साल में सिर्फ 2-3 वीक के लिए ही ओपन रहता है, जो मार्च 3rd week से मिड ऑफ अप्रैल तक ओपन रहता है। इस टाइम पर ट्यूलिप्स फुल ब्लूम में होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलमर्ग में स्नो चेन्ड व्हीकल्स के ऊपर। सी फ्रेंड्स, हैवी स्नो के टाइम पर आपकी श्रीनगर टैक्सी डायरेक्ट गुलमर्ग तक नहीं जाती, उनको बस टंगमग चेकपोस्ट तक अलाउ करते हैं। टंगमग से गुलमर्ग 12 किलोमीटर ऊपर है और ये पूरा रास्ता स्नोफॉल के टाइम पे काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों के टायर्स यहाँ स्किड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ की अथॉरिटीज टंगमग से बस उनकी यूनियन की गाड़ियाँ
जो स्नो चेन टैक्सीज होती हैं, उनको ही ऊपर तक अलाउ करते हैं। इस साल ये नोटिस टाइम से पहले ही आ गया था, बट स्टिल अगर इस रास्ते पर ज्यादा स्नो नहीं हुई तो वो श्रीनगर टैक्सी को भी ऊपर तक अलाउ कर देते हैं। जनवरी मंथ में सबसे ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम पे आपको स्नो चेन व्हीकल से ही तंगमग से गुलमग जाना होता है। इस टैक्सी का प्राइस अराउंड 2000 रुपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गोंडोला बुकिंग कब करनी चाहिए और कौन सा स्लॉट हमें बुक करना चाहिए। गोंडोला केबल कार ही गुलमर्ग की मेन अट्रैक्शन है, जिससे आप स्नो को एंजॉय करने के लिए हिल टॉप पे जा सकते हैं। इसके टिकट स्लॉट्स भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं, इसलिए इसकी बुकिंग आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले कर लेनी चाहिए। इसमें 3 स्लॉट्स होते हैं। अगर आप गुलमर्ग में ही होटल लेके स्टे कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग 9 बजे वाला स्लॉट बुक करें, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम श्रीनगर देन यू शुड गो फॉर 11:15 AM स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिकमेंड स्टेइंग इन अ हाउस बोट इन डल लेक। As far as my experience is concerned, houseboat stay in Dal Lake is worth a try to closely experience the beauty of Dal Lake. But अगर आप peak winters में आ रहे हैं तो आपकी houseboat above deluxe category की होनी चाहिए with all the basic services, especially the heating service. Next question आता है union charges के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए, जो टैक्सीज आप श्रीनगर से हायर करते हैं वो आपको इंटरसिटी ट्रांसफर करवाती है। जैसे सोनमर्ग और पहलगाम में ये टैक्सी आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट तक ही लेके जाती हैं, उसके आगे की साइट सीइंग के लिए आपको यहाँ की यूनियन कैब्स को हायर करना पड़ता है। पहलगाम में ये चार्जेस अथॉरिटीज ने फिक्स कर रखे हैं, आप नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स के हिसाब से यहाँ डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली सोनमर्ग में भी आपको ये यूनियन टैक्सीज लेनी होती हैं, बट यहाँ पे कोई भी प्राइस फिक्स नहीं है। सीजन के टाइम पे यहाँ के टैक्सी वाले आपसे 10 से 12,000 रुपये तक मांग लेते हैं, बट आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5,000 रुपये से ऊपर यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू प्रीपेड सिम्स वर्क इन कश्मीर। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी रीजन की वजह से अदर स्टेट्स की प्रीपेड सिम वर्क नहीं करती हैं। आप कश्मीर पहुँच कर भी अपने लिए एक टेम्परेरी सिम परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी स्टेट से भी एक पोस्टपेड सिम लेके आ सकते हैं। पोस्टपेड में जियो और एयरटेल दोनों ही यहाँ बड़े अच्छे से काम करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ चल रहे स्कैम्स की, या फिर ये बोले इनकी बड़ी बड़ी स्कीम्स की, जिसके बेस पे आपको ये टारगेट करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए एक एक करके इन स्कीम्स या स्कैम्स के बारे में आपको बताते हैं। टूर एजेंसी स्कैम। एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर बुकिंग अ कश्मीर टूर पैकेज यू शुड ओनली कंसिडर श्रीनगर लोकल एजेंसीज। अब श्रीनगर में भी बहुत सी ऐसी न्यू और इनएक्सपीरियंस एजेंसीज हैं जो आपको पैकेजेस सुपर चीप प्राइसेस पे ऑफर करती हैं। ऐसी एजेंसीज से पैकेज बुक करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इन एजेंसीज का ना तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ना ही इनकी कोई मार्केट रेपुटेशन होती है। ये जेन्युइन एजेंसीज की आइटनरी को कॉपी पेस्ट करके आपको मार्केट करती है। हैवी डिस्काउंट्स देने की वजह से टूरिस्ट इन पैकेजेस के लिए अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बट मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आप कश्मीर पहुँचते हो, चूना लगा दिया। क्योंकि इन्हें बस अपने प्रॉफिट शेयर से मतलब होता है, और कोई भी इशू हो चाहे होटल का, ड्राइवर का, हाउस बोट से रिलेटेड, ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। रीजन बीइंग, इन छोटी एजेंसीज का ना तो होटल्स, ना ट्रांसपोर्ट और ना ही अदर अथॉरिटीज पे किसी तरीके का होल्ड होता है। आपको इस तरीके की छोटी एजेंसीज को दूर से ही नमस्ते कर देना है। ओनी एंड स्लेज स्कैम। ये स्कैम बेसिकली गुलमर्ग में देखने को मिलता है। आपकी टैक्सी जैसे ही गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड पे पहुंचेगी, बाहर आते ही आपको पोनी वाले, टैक्सी वाले, स्लेज वाले घेर लेते हैं। और कहते हैं कि गोंडोला स्टेशन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, आप नहीं जा पाओगे, आगे पानी भरा हुआ है, गाड़ी या घोड़े से ही जाना होगा, जिसके लिए आपको ये पर हेड 1500 से 2000 रुपए चार्ज करेंगे। बट आप इन्हें और इनकी बातों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में गोंडोला स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम है। अनलेस आपके साथ कोई एजेड पर्सन है, आप बड़े ही आराम से स्नो में एंजॉय करते हुए बाय वॉक वहाँ 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते हो। स्टिल आपको जाना ही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए देके स्लेज या ATV से वहाँ पहुँच सकते हैं। यहीं पे गाइड भी आपको साथ साथ आने के लिए पूछेंगे, कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी अपने आप को आपके लिए सेल्फ अपॉइंट कर लेंगे। हमने यहाँ पे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे ये गाइड आपके पीछे पीछे आधा किलोमीटर तक भी आ जाते हैं, बट आपको इन्हें मना करने का पूरा पूरा हक है। एंड इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर कश्मीर सीरीज, तो आपको कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट गाइड की जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी। शॉपिंग स्कैम्स। जब आप शिकारा बोट में डल लेक एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट में भी आपको लेके जाते हैं। इन शिकारा वालों का भी इनके साथ कमीशन फिक्स रहता है।
वो आपको बोलेंगे कि कश्मीर की सारी ओरिजिनल चीजें आपको यहीं मिलेंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन शॉप्स में आपको जो सामान मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और काफी एक्सपेंसिव भी होता है, खासकर सैफरन। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कश्मीर में कश्मीर का केसर भी आपको ऑलमोस्ट सब जगह एडल्ट्रेटेड और नकली ही मिलता है, स्पेशली मेजर सिटीज लाइक श्रीनगर एंड गुलमर्ग। अगर आपको ओरिजिनल कश्मीरी सैफरन लेना ही है तो आपको ये पंपोर टाउन से लेना चाहिए। ये जगह जब आप श्रीनगर से पहलगाम आते हैं तो रास्ते में पड़ती है। पूरे कश्मीर में यहीं पे केसर उगाया जाता है और यहीं से आपको सैफरन परचेज करना चाहिए। हमने जिस शॉप से सैफरन परचेज किया उसका नाम था कोंगवेर। ये शॉप यहीं पे लोकेटेड लेथी पूरे एरिया में पड़ती है। इसके अलावा यहाँ की पश्मीना शॉल भी काफी पॉपुलर है, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज में कश्मीरी पश्मीना के नाम पर अंबाला और लुधियाना का माल चिपकाया जाता है। अगर आपको ओरिजिनल कश्मीरी शॉल्स लेनी है तो उसे आपको गवर्नमेंट ऑथराइज स्टोर से ही लेना चाहिए, जो सिटी एरिया में है ही नहीं। हमने जहाँ से शॉपिंग की उस शॉप का नाम है GM हैंडीक्राफ्ट्स। ये गवर्नमेंट ऑथराइज स्टोर है जो मागम एरिया में पड़ती है। जब आप श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे तभी आपको रास्ते में दिखेगी। अब बात कर लेते हैं टैक्सी स्कैम्स की। अगर आप कश्मीर साइट सीइंग के लिए अपने एंड से टैक्सी हायर करते हैं तो इसका ये आपसे पर डे का अराउंड 3,000 से 4,000 का रेट बोलते हैं। मैक्सिमम आपको 2,500 से ऊपर इन्हें पे नहीं करना है, बट वहाँ पहुँच कर भी टैक्सी करने में बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि एंड टाइम पे ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू बन जाती है। अगर आप होटल्स के थ्रू करते हैं तो वो अपना मार्जिन रखेंगे विच विल इवेंचुअली इंक्रीज द कॉस्ट। एक और डिसएडवांटेज ऑन द स्पॉट टैक्सी बुकिंग की ये है कि जो ये बेस्ट ड्राइवर्स रहेंगे वो पहले से ही अच्छी एजेंसी के साथ बुक हो जाते हैं। बाद में जो ड्राइवर्स बच जाते हैं जिनमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है वो आपको मिलते हैं। इसलिए खासकर सीजन टाइम में खुद से अपनी ट्रिप प्लान करना एक बहुत बड़ी गलती है। आपकी यही गलती आपके मेमोरेबल ट्रिप को मिजरेबल भी बना देती है। अगर आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बेटर है आप कश्मीर ट्रिप को एक जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक करें। इसमें आपका मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम कंफर्ट होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका टूर मैनेजर ही आपके लिए संभालता है। एंड में आप एक चीज़ समझिए, स्कैम्स खासकर उन लोगों के साथ होते हैं जो कश्मीर के बारे में प्रॉपर डिटेल्स लेके नहीं आते या टाइमली अपनी ट्रिप प्लान नहीं करते, या फिर फर्स्ट टाइम कश्मीर आने के बावजूद टूर पैकेज की जगह खुद से अपनी ट्रिप प्लान करने का सोचते हैं। अगर आपको हर चीज़ की प्रॉपर अवेयरनेस होगी और आपकी टूर एजेंसी जेन्युइन है तो आपको इन स्कैम्स के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि सर आप दिल्ली से हैं तो आपको तो वैसे भी वो लोग टारगेट नहीं करते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर वेरीफाई करके सब चीज़ें बुक करेंगे तो आपकी ट्रिप एकदम सही बजट में कंप्लीट हो जाएगी। और बार्गेन तो आपको दबा के करना ही है। जैसे सब्जी मंडी में आंटियाँ रेट लगवाती हैं, सेम उसी वे में आपको रेट बोलना होगा, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ट्रिप ओवर बजट हो गया है। एंड इफ़ यू वॉन्ट प्रॉपर गाइडेंस ऑन कश्मीर टूरिस्ट प्लेसेस, डू चेक आउट आवर कश्मीर सीरीज वीडियोस। वहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझा रखी हैं। वी होप इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको कश्मीर ट्रिप प्लानिंग या टूर पैकेज में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज के रूप में डाल सकते हैं, या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कश्मीर के बारे में हम आपको टू द पॉइंट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताते रहें, ताकि कश्मीर में कोई भी आपको एक रुपए के लिए भी मिसगाइड ना कर पाए। अभी तक हम काफ़ी व्यूअर्स की कश्मीर ट्रिप प्लानिंग में और टूर एजेंसी सिलेक्शन में हेल्प कर चुके हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए, तो इसी बात पर आपका एक लाइक तो बनता है बॉस। और इसी तरह के जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो एकदम फ्री रहता है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। अंटिल देन कीप योर सिटी क्लीन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।